हाय फ्रेंड्स, अभी इन दिनों पूरे वर्ल्ड में कोरोना क्राइसिस चल रहा है और कोरोना क्राइसिस से लड़ने के लिए हर देश की अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी है, लेकिन लगभग सभी कंट्रीज की एक स्ट्रेटेजी बिल्कुल कारगर साबित हो रही है अभी तक, वो है लॉकडाउन। तो 60 दिन का लॉकडाउन 5 दिन के लॉकडाउन के बराबर है क्या? बड़ी अजीब सी बात पूछिए ना, मुझे नहीं पता भाई कि 5 दिन का लॉकडाउन 60 दिन के लॉकडाउन के बराबर है क्या। मैथ्स क्या बोलती है, मैथ्स देखते हैं। 60 डेज लॉकडाउन इज इक्वल्स टू 5 डेज लॉकडाउन। मैं 60 को इधर लेता हूं, बाकी को इधर ले जाता हूं, 5 डेज लॉकडाउन अपॉन डेज लॉकडाउन को ले लिया, डेज लॉकडाउन, डेज लॉकडाउन से डेज लॉकडाउन चला गया और 60 इक्वल्स टू 5। इसे प्रूव करना है, इसको हमें प्रूव करना है। यदि मैं इसे प्रूव कर दूं तो ये बात प्रूव हो जाएगी ना, है ना? देखो करते हैं, हमें क्या प्रूव करना है, 60 इक्वल टू 5, इसे हमें प्रूव करना है। देख लेट मान x इक्वल्स टू वाई, फिर y को इधर लिया है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, फिर बोथ साइड मल्टीप्लाई किया 60 से, 60 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है? तो क्या हो गया, 60 x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है? ये इसको बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम इस वाले को, हम x माइनस वाई को यदि मल्टीप्लाई करें 5 से इधर और 5 से इधर, तो क्या हो जाएगा, 5 x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आल्सो इक्वल, दाहिनी तरफ की चीज बराबर है तो बाई तरफ हमेशा ही बराबर होगी। तो बाई तरफ क्या है, इधर तो है 60 x माइनस वाई और उधर है 5 x माइनस वाई। अब तो आपके समझ में आने लग गया होगा, दिखने लग गया होगा, 60 बराबर 5 x माइनस वाई बटे x माइनस वाई, x माइनस वाई से x माइनस वाई चला जाएगा, तो 60 बराबर 5। इति सिद्धम, हैंस प्रूव, 60 के बराबर 5। तो होता है क्या 60 के बराबर 5? नहीं होता ना। यदि 60 के बराबर 5 नहीं होता तो इसका मतलब है मैंने इस पूरे के पूरे जो भी यहां पर कैलकुलेशन की है उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, कहीं ना कहीं जानबूझ के मैंने ब्लंडर किया है, जानबूझ के मैंने कहीं ना कहीं कोई ट्रिक लगाई है, कुछ गलती की है। आप लोगों को वही गलती ढूंढनी है और गलती आप ढूंढ लेंगे तो मेरे यूट्यूब के कमेंट में जाकर आप कमेंट करिए कि वो गलती क्या थी, आप ढूंढिए, मैं उस गलती को फिर कुछ दिन बाद में मैं बताऊंगा। इसी चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसमें आने वाली सारी वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन आएगी और आप उसको देख पाएंगे। धन्यवाद।